मैं जानती हूँ तुम्हारे पास बहुत से सवाल होंगे, पर मैं एक का भी जवाब नहीं दूंगी। बेटे की तुम, मेरा मतलब बिल्ली की। मैं बोल सकता हूँ, बिल्ली होने का नफा नुकसान तोल सकता हूँ, पूंछ से पानी में नमक घोल सकता हूँ, आपने मुझे पता नहीं क्यों बिल्ली बना दिया। पर मैं यहाँ जिस पहेली का हाल ढूंढने आया हूँ, मेरे लिए इस वक्त वही सबसे जरूरी है। कैसी पहेली? एक बार देखा है, दूसरी बार देखने की तमन्ना है, यानी आप ही मेरी मदद कर सकती हैं। करने को तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ, लेकिन मुझे तुम्हारी मदद करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। पर क्यों? मुझसे सवाल? तुम्हें पता भी है तुम किससे बात कर रहे हो? एक बिल्ली से। मुझे इस नाम से नफरत है। यही तुम्हारा सच है और ये सच मैं सबको बता दूंगा। तुम एक बिल्ली हो, बिल्ली हो, बिल्ली हो, बिल्ली हो। और ये तुम्हारी सजा है, और अब तुम इस जादुई रुमाल की वजह से कुछ भी नहीं बोल पाओगे। गड्ढा कैसा? एक तो मुझे बिल्ला बना दिया, मेरी आवाज छीन ली, अब इस गड्ढे की तरफ ले जा रही है। कहां फंस गया? सुल्ताना, क्यों आए हो? माफ कीजिएगा, बगदाद की सुल्ताना अपने साथियों के साथ महल की छानबीन कर रही थी। महल के सारे दरवाजे बंद कर दो, कोई बाहर ना जाने पाए। बस 2 घंटे की ही तो बात है। 2 घंटे? 2 घंटे में क्या होने वाला है? वक्त कम है, जो करना है अभी करना होगा। रुको, जाने दो उसे, वो कुछ नहीं कर सकता है। वैसे भी 2 घंटे में ये महल जल के राख हो जाएगा। बेटे की तुम, हकाबा ने तो मुझे हक्का बक्का कर दिया। यहाँ क्या चल रहा है? मैं पता लगा के रहूंगा, पर सबसे पहले नक्षड़ी के पास जाता हूँ। लाले तो यहाँ पर भी नहीं है, कहीं किसी मुसीबत में तो नहीं फंस गया? हमारे दिमाग में भी बार बार यही ख्याल आ रहा है। हम एक काम करते हैं, अकाबा के सुल्ताना के करवालों ने हम पर हमला कर दिया है। ये मैं हूँ फराज, अलादीन, नाम तो सुना होगा। आप तो ऐसे डर रहे हैं जैसे बिल्ली नहीं कोई शेर हो। सुल्ताना ये लफ्ज इस्तेमाल ना करें वरना। ये सुल्ताना थोड़ी ना, हम जानते हैं कौन। नक्चड़ी, मेरी मोहब्बत, मेरी हमसफर, मेरे दिल की सुल्ताना, मुझे पता था कि तुम मुझे पहचान लोगी। अब जल्दी से फराज को भी बता दो। सुल्ताना के साथ जो दूसरी बिल्ली घूम रही थी वही है। बेटे की तुम। हाँ ये तो वही है। मैं अलादीन हूँ। काफी फुर्तीली बिल्ली। अरे दीवानो, मुझे पहचानो, कहां से आया मैं, हूं कौन? अरे ये गाना है तो नहीं, पर एक दिन बनेगा जरूर।
हमें उस बिल्ली से बचाएगी। क्या मुसीबत है? शुक्रिया सुल्ताना। लगता है पूरी जिंदगी मैं म्याऊं म्याऊं करके रहूंगा। ना जाने क्यों ये बिल्ली हमें कुछ जानी पहचानी लग रही है। तुम्हें सही लग रहा है? क्या करूं, कैसे बताऊं तुम्हें नक्चड़ी की? ये हमसे कुछ कहने की कोशिश कर रही है। नक्चड़ी, नक्चड़ी, तरीका मिल गया। लाले, तुम सच में अलादीन हो? काली चोर, ये सब कैसे हुआ हमें बताओ। यार रुमाल हटाए। बेटे की तुम अलादीन। सुल्ताना बड़ा अजीब है ना सब कुछ। यहाँ की सुल्ताना बिल्ली, अलादीन बोलता बिल्ला, और ना जाने क्या क्या बिल्ला गुल्ला बिल्ला बुल्ला, समझ में नहीं आ रहा। मैं समझाता हूँ। अगर अलादीन और यास्मीन यहाँ नहीं है तो ये तो अच्छी बात है, वो हमारा काम करने ही गए होंगे। आप बेफिक्र रहें मलिका साहिबा, जैसे ही सुल्ताना अलादीन और फराज लौट आएंगे नाज़नीन आपको खबर कर देगी। फराज? इन्हें तो कोई इल्म ही नहीं। मलिका साहिबा, फराज जफर का भाई। सिर्फ भाई नहीं, हम शकल भाई। और तो और, वो अलादीन का खास दोस्त बन गया है और उसी के किसी खुसूसी खुफिया काम के लिए गया है। ये तो तुम लोगों ने बहुत अच्छी खबर सुनाई। तुम्हारा इनाम। शाबाशी, कसम सोने की अशर्फियों की, ये तो ठीक है। मलिका साहिबा, अगर आप हमें भी एक आधा छोटा मोटा जिन दे देते तो हम आपका ही काम और बेहतर तरीके से कर सकते थे। अभी किसी को जिन बना पाना तो नए की क्या जरूरत है? कोई टूटा फूटा घिसा पिटा पुराना सा जिन होगा, जैसे अंगूठी छाप पुराना। ख्याल बुरा नहीं, इससे दुश्मन और तड़पेगा और मलिका को मजा आएगा। तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? आज से तुम इनके गुलाम हो। क्या? हाँ नक्चड़ी, हाँ। मतलब वो बिल्ली, बिल्ली नहीं एक लड़की है। बेहद खूबसूरत लड़की। क्या कहा? मतलब आप बहुत खूबसूरत हैं, है ना लाले? एक बार देखा है, बार बार देखने की तमन्ना है ना? वही तो उस पहेली का तोड़ है, हम अपनी मंजिल के बहुत करीब हैं नक्चड़ी। लाले, मंजिल तक तो हम पहुंच ही जाएंगे, लेकिन उसके पहले उस सुल्ताना को एक मरतबा मजा चखाना चाहता हूँ मैं। फराज, अभी गुस्सा दिखाने का वक्त नहीं है। मतलब? मैंने उसे किसी से कहते सुना कि अगले 2 घंटों में उसका काम हो जाएगा और ये महल जल के राख हो जाएगा। मतलब हमें खंजर का दूसरा हिस्सा अगले 2 घंटों में ढूंढना होगा। हाँ, लेकिन उस
खंजर के दूसरे हिस्से को हम ढूंढने के काम, ये भी तो हो सकता है ना कि उस खंजर का दूसरा हिस्सा महल में नहीं बल्कि शहर में कहीं पड़ा हो सकता है। पर ये बात तय है, तमन्ना का उस खंजर से कुछ लेना देना जरूर है। तो उसी से पूछ लेते हैं कहाँ होगी वो अभी। गड्ढे में, हाँ शाही बाग में किसी किस्म का जादुई गड्ढा है, मैंने उसे उसी में जाते देखा। हो सकता है हमें वही खंजर का कोई सुराग मिले। तो चलो फराज मियां, अगर तमन्ना या कोई भी इस महल को आग लगाने वाला है तो उसे रोकना आपकी जिम्मेदारी। जी सुल्तान। शायद तुम्हें याद नहीं, जिन जिस चीज में कैद होता है वो चीज जिसके पास होती है वही उसका आका होता है, और मेरी अंगूठी आका अलादीन के पास है। तो हमारे पास गुलाम रुखसार का कंगन है, तुम इसे ले जाओ। क्या ले जाओ? अमीन ना आकलों की गुलामी नहीं करेगी। तो फिर तुम कर लो, किसी एक को तो करनी ही पड़ेगी। मलिका बेगम आप इतनी अच्छी हैं, गुलामों से इतनी इज्जत से, इतनी प्यार से बात। वाई 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 वाई। ए, अंगूठी छाप तो लिया, आज से तुम हमारे गुलाम हो। बेगम नया नौकर मुबारक हो, अंगूठी छाप। क्या हुक्म है मेरे आका? अब इसका आका कहां से आ गया? कौन है? क्या हुक्म है मेरे आका? मैं आका, मैं आका, मैं आका। फिर से कहो आका। क्या हुक्म है मेरे आका? चुपचाप हमारे साथ चलो अंगूठी छाप नौकर। चलो चलो। अब इस दो कौड़ी के जिन को नाज़नीन सबक सिखाएगी। शुक्रिया मलिका बेगम, शुक्रिया। जितना खुश होना है होले मलिका, एक बार मेरा बेटा लौट आया तो तुझे खुश होने का मौका नहीं मिलेगा। बड़ा मजा आएगा। मुझे गड्ढे के अंदर जाना होगा। तमन्ना भी यहीं गई है। पर उसे तो जादू आता है काले चोर। ना हमारे पास और कोई रास्ता है ना ज्यादा वक्त। मुझे पक्का यकीन है कि इस गड्ढे के अंदर कुछ तो जरूर होगा जो हमें खंजर के दूसरे हिस्से तक ले जाए। मैं जा रहा हूँ। हमारे पास सिर्फ 2 घंटे हैं, हमें अम्मी के लिए अंदर जाने ही होगा। काले चोर अगर तुम बिल्ले हो ना तो हम भी जंगली बिल्ली से कम नहीं। तुम ठीक हो ना? Thank you.
अजीब जगह है ये। मेरा दिल कहता है कि हम बिल्कुल सही रास्ते पर हैं। आओ। तुम लोग आगे नहीं जा सकते, पीछे भी नहीं जा सकते। अब तुम्हारी सारी जिंदगी यहीं कटेगी। बिल्ली की तुम किसी और की बिल्ली और हमसे मैं आऊं? अब आया ना उठ पहाड़ के नीचे देखो। चली बचो, यहां से आगे जाना तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी और आखिरी भूल होगी। बेटे की तुम, पर खंजर का दूसरा हिस्सा तो आगे जाके ही मिलेगा ना, अब क्या करें? ऊपर वाले से सीधा कोई नाता है, तभी तो उनके आगे हर कोई सर झुकाता है। मैं कितनी खुशकिस्मत हूँ कि एक बार फिर से आपसे मिलना हो पाया। देखो, हमारा अंदर जाना बहुत जरूरी है। हाँ। किसकी जिंदगी का सवाल है? तुम्हारे हर सवाल का जवाब यही है कि तुम अंदर जाने का ख्याल छोड़ दो, इसी में तुम्हारी भलाई है। हमारी भलाई किसमें है और किसमें नहीं, ये हमें तुम बिल्लियों से समझने की जरूरत नहीं है। तुम लोगों ने अपनी किस्मत से समझौता कर लिया होगा, पर हमने बचपन से एक ही चीज सीखी है, दुश्मन चाहे इंसान हो या किस्मत, लड़ो और तब तक लड़ो जब तक या तो जीत ना जाओ या मर ना जाओ। और हमें यहाँ से निकलने का रास्ता अच्छे से पता है। मतलब? एक बार देखा है, बार बार देखने की तमन्ना है, इसी पहेली का जवाब ढूंढते हुए तुम यहाँ तक आए थे ना। हाँ। और यहाँ तुम्हें सुल्ताना बिल्ली मिली जिसने तुम्हें भी अपनी तरफ बिल्ली बना लिया। मुझे बिल्ला, और अब तुम सबको उसका हुक्म मानना पड़ता है। वो सुल्ताना बिल्ली बहरूपिया है, दिल चाहे तो लड़की बन सकती है। एक लड़की भींगी भांगी सी, सोती रातों में जागी सी। ये कौन सा गाना है? है तो नहीं, पर एक दिन बनेगा जरूर। वो एक बहुत खूबसूरत, खांस लो, हम बता देते हैं। वो इंसान की शक्ल ले सकती है, पर है वो बिल्ली। उसका नाम है तमन्ना, और वो ही इस पहेली का जवाब है। क्या? हाँ। और अगर हमें यहाँ से बाहर निकलना है तो डर को पीछे छोड़कर आगे बढ़ना होगा। हम सब आपकी बात समझ रहे हैं, लेकिन यहाँ से आगे अगर कोई जा सकता है तो बस इंसान। इतने बरसों से तुमने खंजर के दूसरे हिस्से को जमीन के नीचे अपनी अक्लमंदी और अपने जादू से महफूज रखा, उसके लिए तुम्हारा शुक्रिया। ये पहेली इतनी आसान नहीं है, लेकिन अगर कोई बद इरादा शख्स इसे समझ भी जाए तो उसका हाल दानियाल जैसा होता है, या फिर वो बिल्ली बनकर हमेशा के लिए यहीं रह जाता है। पर आपका बेटा बाकी सबसे अलग है, वो पहली सुलझा के महल तक पहुंच गया। हाँ, लेकिन मैं उसे खंजर के दूसरे हिस्से तक पहुंचने नहीं दे सकता। माफ कीजिएगा, वो उस तक पहुंचना ही क्यों चाहता है? आपका बेटा है, मुझे यकीन है कि उसका इरादा नेक ही होगा,
और अगर ऐसा है तो आप उसे रोक क्यों रहे हैं? तुम पर पहले से ही बहुत बड़ी जिम्मेदारी का बोझ है तमन्ना। इस राज का वजन तुम्हारी मुश्किलें और बढ़ा देगा। मैं चाहता हूं कि जमीन के नीचे जिस संदूक में तुमने खंजर का दूसरा हिस्सा रखा है उसे तुम वहां से निकालकर कहीं और छिपा दो। आप जैसा कहे, पर आप अलादीन को मेरे जादू से आजाद कब करेंगे? जैसे ही तुम खंजर के दूसरे हिस्से को अलादीन से कहीं बहुत दूर जाकर छिपा दोगी मैं उसे ठीक कर दूंगा। लेकिन होशियार रहना, अगर वो यहां तक पहुंच गया तो ना ही वो अपने आप मेरे जादू को तोड़ पाएगा और ना ही वो खंजर तक पहुंचेगा। आप फिक्र मत कीजिए। शुक्रिया तमन्ना, काश कि तुम्हें इतनी बड़ी कुर्बानी ना देनी पड़ती। आप जैसे फरिश्ते के लिए ये महल तो क्या, इस महल का एक एक सिपाही भी अपनी जान कुर्बान कर सकता है। परवरदिगार तुम पर अपनी नेक नजर बनाए रखे। फिर मिलेंगे। मैं जानती हूं मुझे खंजर के दूसरे हिस्से को कहां छुपाना है, और वहां अलादीन तो क्या कोई इंसान नहीं पहुंच पाएगा। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।